अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 15 जून 2024। टाइम इस टाइम हो रहा है रात के 11:45 और इंशाल्लाह सुबह 16 जून को ईद उल अज़हा है। अभी अभी लिवरपूल पहुंचा हूं शिफ्ट करके, आफ्टरनून शिफ्ट थी और अभी दोस्त के पास पहुंचा हूं। वापसी बैंगर की ट्रेन नहीं थी तो आज इधर स्टे किया है। इंशाल्लाह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के अगेन सुबह आफ्टरनून की शिफ्ट है, तो आपको इंशाल्लाह नमाज का और सारा ईद का पहला दिन अपडेट करूँगा। व्लॉग पूरा देखिएगा और बाकी जो जो मेरे भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो उन सबको एडवांस ईद मुबारक। उन सब की तो मंडे को है 17 जून, हमारी है सुबह इंशाल्लाह 16 जून। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई, आज ईद है और ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। पहली नमाज 7 बजे थी, दूसरी 8 बजे, इंशाल्लाह 8 बजे वाली भी पहुंच जाएगी। क्यों मुजम्मिल भाई, चले नमाज के साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। लो जी, हम मस्जिद पहुँच गए, इंशाल्लाह नमाज के बाद अपडेट करते हैं। الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، وأذكركم وأذكر نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Brothers and sisters in Islam, I urge you, I urge myself to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala as he mentions in the Quran about देते। हाँ जी, नमाज पढ़ ली ईद की हमने और अब वापिस जा रहे हैं। ये हमारे वकार भाई है। वकार भाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाए कहाँ से आप, नहीं करवाना चाहिए, बहुत सारे मिले इसको तो आप जानती है, मुदम्मिल और मैम हो। तो ईद की नमाज़ पढ़ ली, मेरे सब मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से ईद मुबारक, दिल से, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जो लोग परदेश में हैं उन सब परदेशियों को भी ईद मुबारक। हौसला रखना, हिम्मत रखनी है, वी मिस आवर फैमिलीज सो मच, अपनी दुआओं में याद रखना हमें, तो उदास नहीं होना और इस दिन को जितना एंजॉय कर सकते करो। बस ईद की नमाज़ पढ़ ली, जाके कपड़े चेंज करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद फिर शिफ्ट पे चले जाएंगे, मजदूरी पे जाएंगे सॉरी और इसके बाद हमारी ईद खत्म हो जाएगी। ये है हमारी परदेशियों की ईद। मैं इस टाइम लिवरपूल में हूँ, बैंगर की ट्रेन नहीं थी वापसी की और लिवरपूल में नमाज़ पढ़ी है और यहीं पर रात को स्टे किया था अपने दोस्त के साथ और इंशाल्लाह अब वरिंगटन में मेरी शिफ्ट है और इसके बाद फिर मैं वापस बैंगर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो नमाजी बहनें भी जा रही, तो अभी यहाँ पे 4 बार नमाज पढ़ाई गई है। पहली नमाज 7 बजे थी, दूसरी 8 बजे, हमने 8 बजे वाली पढ़ी है, तीसरी 9 बजे और चौथी 10 बजे। तो अभी कुछ लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं और कुछ नमाज पढ़ के पढ़ने जा रहे हैं। दिखा दो भाई, शक्ल भी दिखा दो। तो मैं आपको थोड़ा सा लिवरपूल भी दिखाऊंगा, वो उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। ये आप हमारे हाथों में शॉपर दे, ये आप हमारे हाथों में शॉपर देख रहे हैं, गोश्त लेने जा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, इंशाल्लाह कहीं से मिल गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मस्जिद में एंटर हुए थे
तो ये हमें शॉपर मिला था, शायद हमें गोश्त मिलेगा, पर ये जूते रखने के लिए शॉपर दिया गया था। पर इस भाई की नियत, इस भाई की नियत जो है गोश्त की है, तो इनसे गोश्त मिलते उसको कहेंगे ये शॉपर अंदर। इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है 12, और जल्दी में ना तो जैकेट पहनी ना रेनकोट, पहले बादल थे पर अभी तक धूप निकला ही, जो क्या के वेदर का कोई पता नहीं होता। मुजम्मिल भाई कुछ आप कहना चाहोगे आज के लिए? चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल ले। सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, सब्सक्राइब करवा दो, सब्सक्राइब करो। और क्या बता रहे भाई, बहुत चुप है ये कैमरे की आंख से छुप रहे हैं, इन्होंने कोई कुछ किया भाई, भाई सब्सक्राइब। ये मुजम्मिल भाई क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इस ईद की खुशी में मेरे भाई को सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छा ब्लॉगर है। थोड़ा थोड़ा सा ऊंची बोले, पीछे ट्रैफिक का शोर है। इस ईद की खुशी में मेरे भाई को सब्सक्राइब कर दो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इस टाइम लिवरपूल सिटी सेंटर हूँ, और ये सारा सिटी सेंटर है, उस साइड में रेलवे स्टेशन है, तो बस घर के करीब हूँ। एक दफ़ा फिर सब भाइयों को मेरी तरह से ईद मुबारक, और बस मेरी शिफ्ट का टाइम होने वाला है, नाश्ता करूँगा और पैकिंग करूँगा, उसके बाद शिफ्ट निकल जाऊँगा, और फिर 8 घंटे की शिफ्ट है, और रात कहीं पहुँचूँगा वापस बैंगर, अगर ट्रेन मिल गई नहीं तो वापस फिर लिवरपूल स्टे करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ईद ख़त्म, बस इतनी ईद थी हमारी परदेसियों की। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।